हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो अपडेट हम आप लोगों को देने वाले हैं वो देने वाले हैं फ्रेंड्स यहाँ पे भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे BNMU यूनिवर्सिटी के द्वारा आप लोगों का यहाँ पे पार्ट टू और पार्ट थ्री का जो है रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया था, लेकिन इस बार ऑनलाइन रिजल्ट जारी किए गए थे और PDF के माध्यम से आप लोगों का रिजल्ट यहाँ पे शो किया गया था। लेकिन कोई भी छात्र को यहाँ पे मार्कशीट नहीं मिला था, लेकिन अब फाइनली आप लोगों का BA BSc BCOM पार्ट टू और पार्ट थ्री का सभी ऑनर्स का यहाँ पे मार्कशीट BNMU यूनिवर्सिटी के द्वारा वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप लोग किस तरह से अपना अपना मार्कशीट जो है यहाँ पे डाउनलोड करेंगे, किस तरह से आप लोग अपना जो है यहाँ पे पूरा मार्क्स देखेंगे, आप लोगों को इस वीडियो में पूरी जानकारी मिल जाएगी, जिसके अंदर आप लोगों को यहाँ पे मार्कशीट किस तरह से डाउनलोड करने हैं पूरी प्रक्रिया इस वीडियो में बताई गई है। सो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक वॉच कीजिए, ताकि आप लोगों को इस वीडियो में जो भी जानकारी दी गई है उसको उस जानकारी को आप लोगों को पूरा पूरा देखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो फ्रेंड्स में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को जो है एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल को सपोर्ट करना है, ताकि आप लोगों को ऐसी अपडेट चैनल के माध्यम से मिलते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया कि यहाँ पे जो है भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के द्वारा जो है पार्ट वन और पार्ट टू का रिजल्ट जो है यहाँ पे मार्कशीट ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दिए गए हैं। जो भी छात्र यहाँ पे अपना मार्कशीट डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोगों को सबसे पहले इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाइएगा। आने के बाद आप लोगों को सीधा यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करते ही आप लोगों को यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म का एक न्यू ऑप्शन दिखेगा, सिंपली इस पर आप लोगों को टैप करना है। जैसे आप लोग टैप कीजिएगा तो कुछ इस तरह का जो है यहाँ पे वेबसाइट आप लोगों को जो है खुल के आ जाएगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को इसको जो है डेस्कटॉप मोड में कर लेना है, ताकि आप लोगों को यहाँ पे आसानी हो। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट पोर्टल पे आप लोगों को लाया जाएगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटर ऑनलाइन एप्लीकेशन नंबर और इंटर योर पासवर्ड और इस कैप्चा कोड को आप लोगों को सिंपली यहाँ पे फिलअप करना है। तो आप लोगों को जो आप लोगों ने जो फॉर्म फिलअप किया था उस टाइम आप लोगों को एक जो है यूजर और आईडी और पासवर्ड दिया गया था, और साथ ही साथ आप लोगों का एडमिट कार्ड भी आप लोग उसी यूजर आईडी पासवर्ड के तहत डाउनलोड किए होंगे। तो उसी यूजर आईडी पासवर्ड डाल के आप लोग यहाँ पे अपना मार्कशीट भी देख पाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालना है। तो मैं यहाँ पे एक कैंडिडेट का यहाँ पे डाल दिया हूँ और मैं यहाँ पे कैप्चा जो है फिलअप कर देता हूँ। फिलअप करने के बाद आप लोगों को जो है यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाएगा, आप लोगों का यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। तो लॉगिन होने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों को ऊपर स्क्रॉल करना है, और स्क्रॉल करते ही आप लोगों को यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं डाउनलोड रिजल्ट का। तो आप लोगों को सिंपली इस पर टैप करना है। जैसे आप लोग टैप कीजिएगा तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इस छात्र का यहाँ पे जो है आ चुका है, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है इसका जो है मार्कशीट अपलोड किया जा चुका है। वर्ष आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है, रोल नंबर देख सकते हैं। उसके बाद आप लोगों का यहाँ पे डाउनलोड का एक सेक्शन दिखाई देगा, नीचे में आप लोगों को डाउनलोड का ऑप्शन दे दिया गया। आप लोगों को सिंपली इस पर टैप करना है। टैप करते ही आप लोगों को यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, और सिंपली आप लोगों का यहाँ पे PDF में डाउनलोड होकर आ चुका है। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं इस स्टूडेंट का यहाँ पे जो है ये डिटेल्स है, और यहाँ पे इनका जो है पूरा मार्क्स जो है यहाँ पे बताया गया है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इनका जो है पूरा जो है ऑनर्स का मार्क्स बताया गया है, जैसा कि यहाँ पे आप लोगों का कंपोजिशन का बताया गया है, यहाँ पे ऑनर्स पेपर का बताया गया है, और यहाँ पे सब्सिडरी सब्जेक्ट का बताया गया है। टोटल इनका 500 का एग्जाम हुआ था, और यहाँ पे इनका जो है 234 नंबर यहाँ पे दिख रहा है। रिजल्ट में यहाँ पे पास विथ ऑनर्स दिखा रहा है। तो कुछ इस तरह का मार्कशीट आप लोगों का भी होगा। तो आप लोग जो है इस मार्कशीट को PDF में चाहे तो सेव करके रख सकते हैं, या चाहे तो आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों के मन में कोई भी सवाल हो तो आप हम इंस्टाग्राम पर फॉलो करके पूछ सकते हैं, लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।